दबंगई के बल पर बना प्रधान। ग्रामीणों ने प्रधान को विकास दुबे बताया। डरा धमका कर दबंग बना प्रधान। दबंग के गुर्गों ने किया था औजार से प्रचार प्रसार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन ब्रांड न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पूरा मामला जनपद कानपुर देहात सरवनखेड़ा ब्लॉक के दुआरी गांव का है, जहां पर दबंगई के बल पर प्रधान पद पर शिशुपाल सिंह विजय हुए थे। यह साथ ही साथ दबंगई के चलते गाँव के लोगों का आरोप है कि दबंग धमका कर वोट मांग कर एवं पैसों से वोट को खरीद कर विजय हुए थे। सबसे बड़ी बात तो यह सामने आई है कि दबंग की दबंगई इस कदर बढ़ गई है कि वोट ना देने पर गोली मारने तथा ईंट भट्टे की चिमनी में डालकर जिंदा फूंक देने की धमकी देने लगता था। साथ ही साथ ग्रामीणों द्वारा इंडियन प्राइम न्यूज के संवाददाता को एक वीडियो उपलब्ध करवाया गया, जो कि चुनाव के पूर्व दबंग के गुर्गों का है, जिसमें ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान प्रधान के गुर्गे लाठी डंडे लोहे की रॉड से चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे। और गांव वालों का आरोप है कि गुर्गों के प्रचार प्रसार के दौरान गुर्गों द्वारा कहा गया था कि अगर तुमने शिशुपाल सिंह को वोट नहीं दिया तो जान से मार देंगे। इसी के विरुद्ध जब कुछ गांव के ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो दबंग प्रधान शिशुपाल सिंह नाराज होकर धमकियां देता था। दबंग की धमकियों से डरकर ग्रामीणों ने पुलिस का सहारा लिया, लेकिन पुलिस भी दबंग प्रधान के आगे बेबस नजर आई। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि शिशुपाल प्रधान की दबंगई को देखते हुए लगता है कि विकास दुबे कानपुर वाला मरा नहीं है, वहीं दुआरी गांव में आकर अब हम लोगों को परेशान कर रहा है। साथ ही ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि दबंग के ऊपर कईयों मुकदमे दर्ज हैं, अगर जांच करी जाए तो सच्चाई का पता चल सकता है। साथ ही ग्रामीणों का आरोप है कि दबंग नशे आदि का व्यापार भी करता था। ग्रामीणों के अनुसार प्रधान पद पर जिला प्रत्याशी का समर्थन ग्रामीण करना चाहते थे, उसे दबंगई के बल पर हरवा दिया गया। सबसे बड़ी बात तो यह सामने आई है कि इस पंचवर्षीय प्रधानी कार्यकाल में विकास की जगह कुछ अनहोनी न कर बैठे ये दबंग प्रधान। अब देखना यह होगा कि दबंगई के बल पर ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के अनुसार मौजूदा दबंग प्रधान पर क्या कार्रवाई होगी, या दबंगई के बल पर इस प्रकार निरंतर अपनी दबंगई से ग्रामीणों पर अपनी दबंगई का चाबुक चलाता रहेगा। आइए आपको सुनाते हैं ग्रामीणों ने क्या कहा है। साजिश से। क्या नाम है प्रधान का? शिशुपाल सिंह जी। कीर्ति हमारे यहाँ की वाइस सेक्रेटरी, वही ये सब गेम कर रही है। अच्छा, अब जो प्रधानी चुनाव हुए विगत कुछ दिनों पहले हुए, तो कैसा माहौल था चुनाव के दौरान? क्या चुनाव चुनाव तो हमारा अच्छा था जी। चुनाव हमारा अच्छा था, हमारे पास जनमत ज़्यादा था, लेकिन उसकी दबंगई की वजह से और धन जो बांटा गया जनता में। दबंगई किसकी समझी जाए? शिशुपाल सिंह की। तो इनको ये दबंगई क्यों दिखा रहे हैं, इनको क्या माना जाए कि ये क्या दूसरे की चला रहा है? वो माली सुशील माली की भी इसने चलाई, जनरान कठेरिया की इसने चलाई, पहले अपनी चलाई, इसके बाद में फिर जो है बना है। तो इसी तरीके से दबंगई के बल पे अपना सब बनता है, वो करता है। दूसरा विकास दुबे समझो, दूसरा विकास दुबे, दूसरा विकास दुबे है। कैसा इनका कैसा दबदबा है, दबंगी कैसी है गांव में? पहले ये तरह कोई मुंह नहीं खोल सकता है, उसके आगे कोई मुंह नहीं खोल सकता है। अगर किसी ने विरोध किया तो फिर क्या होगा? और किसी ने अगर तो जाएगा घर में, धमकी दे देगा, लोकल के पुलिस भेजेगा, ये सब होगा। दबंगई की बात की जाए तो ये शिशुपाल प्रधान आप बता रहे हैं, किस तरीके दबंगई इनकी? वो 15 साल से बराबर प्रधान बन रहा, चाहे बैकवर्ड सीट आए, चाहे हरजन सीट आए, चाहे सामान ही आए, वही चलाता है। दूसरा विकास दुबे समझिए सर जी को। दूसरा विकास दुबे इनको समझ लें, दूसरा विकास दुबे। जैसे कि अभी अभी गांव के ही दो व्यक्ति बोल रहे थे कि दबंगई के बल पर वोट मांगा ना देने, बोलते चिमनी में डाल देंगे। वो सीधे कहता चिमनी में फुकवा देंगे, अगर वोट नहीं दिया सपोर्ट। अभी तो चुनाव में उसने राडें निकाली थी, राडें चमकती उनका वीडियो आपके पास में दिया है लोगों ने, राडों से दबंगई बल पर वोट दिया, राडें दिखाई है लोगों को। तो साफ तौर पर दबंग विकास दुबे है इस समय। बिल्कुल। तो क्या आप लोगों को जान की पड़ी हुई है? वाला उसको पैसे से ज्यादा इसने, आप लोगों को अपनी जान पे पड़ी हुई है और क्या। हम लोग समर्थन गोपाल शुक्ला करते थे, 420 से उसको हरवाया गया। आप सरकार और प्रशासन से क्या मदद मांगना चाहेंगे? मदद यही मांगना चाहते हैं, हम लोगों को जान माल का खतरा है सर, वो इतना दबंग है।
तो योगी जी तो लगातार क्रिमिनलों को सीधे सीधे, अरे वो सब पेपरबाजी है सर, कहीं कुछ नहीं। और इतना बड़ा गैंगस्टर था विकास दो, उसका सीधे सीधे गानों वाला मामला थाने में भी गया, चौकी में भी गया, कोई पर उठा लेंगे, बस उठा लेंगे, बस इतना कहते रहे। अभी उठा लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बंद करवा देंगे। क्या ऐसे आज तक नहीं उठाया? क्या कुछ ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के रह चुके हैं क्या? वो पुराना क्रिमिनल रहा है, सिंडिकेट रहा है, चरस अफीम का है, दसियों मुकदमे दर्ज है उसके नाम, मुकदमे दर्ज है। हाँ दर्ज है, अगर थाना गजने में चेक किया जाए। उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, पैसा दे के फाइलें दबवाता है, पैसा दे के फाइलें दबवाता है, हाथ बहुत लंबे, बहुत 50 करोड़ की प्रॉपर्टी उसने। क्या किसी सत्ताधारी नेता का कोई सपोर्ट मिल रहा है क्या? सत्ताधारी का ना होता है, अगर सपा की सरकार में इसका सपोर्ट है, भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है, ये सपा का आदमी है, भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। सत्ताधारी नेताओं से रक्षण में ये दबंगी दिखा रहा है पूरा पूरा।